नमस्कार दोस्तों, फूल प्रकृति के नायाब तोहफों में से एक है जो ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि इनकी खुशबू हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। अलग अलग प्रकार और रंगों में मिलने वाले फूल ना सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि ये हमारी खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिहाज से भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। पुराने ज़माने में किसी भी तरह की बीमारी के लिए फूलों में मौजूद जादुई औषधीय गुणों का इस्तेमाल कर दवाइयाँ बनाई जाती थी। एक कप चाय बनाने से लेकर लोशन और फेस वॉश के तौर पर फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार चोट और कई अन्य बीमारियों में भी ये बेहद कारगर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे अलग अलग फूलों को प्राकृतिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल कई तरह से स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भी परिपूर्ण होता है। गुड़हल के फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, खनिज शरीर को कई बीमारियों से राहत दिलाने में रोगी की मदद करते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में होती है। इस फूल का शरबत व चाय बनाकर भी पी सकते हैं। गुड़हल का फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे झुर्रियों की समस्या भी दूर होती है। यह त्वचा की नमी को दोबारा वापस लाने में मदद करता है। गुड़हल के फूल का प्रयोग घाव को भरने में भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। गेंदे का फूल। घाव और चोट लगने पर आपको गेंदे के फूल का रस लगाना चाहिए। यह एंटीसेप्टिक होता है और घाव भरने में कारगर होता है। फोड़े फुंसी हो जाएं तो गेंदे के पत्तियों को पीस कर वहाँ लगा दें। एक्जिमा, दाग धब्बे के साथ ही अगर आग से जल जाएं तो आप इस पर गेंदे और तुलसी की पत्तियों को पीस कर लगाएं। लगातार लगाने से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। सूरजमुखी के फूल। सूरजमुखी के फूलों को नारियल तेल में मिलाकर कुछ दिनों तक धूप में रखें। अब इस तेल का प्रयोग शरीर की मालिश के लिए करें। इसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी सभी एलर्जी खत्म हो जाती है। गुलाब का फूल। गुलाब का फूल विटामिन सी की कमी को पूरा करने में भी सहायक है। इसे आप किसी भी रूप में लें, ये आपके शरीर को डिटॉक्स भी करता है। गुलाब स्कर्वी के उपचार और गुर्दे से जुड़ी समस्याओं पर बेहद कारगर होता है। गुलाब की कलियों का अर्क यूरिन से जुड़े बीमारियों को दूर करता है, साथ ही पेट की जलन को शांत भी करता है। गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर अगर पिएं या शरीर पर लगा लें तो गर्मी के कारण हो रहे सिरदर्द और बुखार को ठीक किया जा सकता है। साथ ही ये झाइयों को दूर करने में भी कारगर है। कमल के बीज। कमल के बीज को गर्म पानी में डालें और जब ये फूल जाएं तो इसमें काला नमक और चाय पत्ती डालकर उबाल लें। इसे आप दिन में कई बार पिएं। इसके सेवन से वेट लॉस होने लगेगा। इसकी पत्तियों को पीसकर जली या झुलसी हुई त्वचा पर लगाने से उसकी जलन खत्म होने लगती है, साथ ही इससे जले का निशान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चमेली। चमेली सेहत और सौंदर्य दोनों में लाभप्रद है। इसका तेल चर्म रोग, दांत संबंधी समस्या में फायदेमंद है और इसकी पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। चेहरे और बालों पर इसका पेस्ट लगाने से चमक बढ़ती है, साथ ही इसका तेल बालों में लगाने से बाल काले और मुलायम बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।